हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जयशी टैरट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो करंट एनर्जीज़ कैसी हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखें, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते रहें। डाउट्स कभी भी लेकर माइंड में ना आए अगर आप किसी चीज़ के प्रति डेस्परेट हैं उसको पाने के लिए। ओके, तो उसके पीछे अगर आप कोई रेमेडी भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डाउट सेक्शन से या क्वेश्चन मार्क सेक्शन से बाहर आना होगा। चलिए हम देखते हैं कि एनर्जीज क्या हैं। सो प्लीज गाइड करें एंजल्स। नाइट ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स है मेरा फेवरेट कार्ड। ओके, एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड एंड टेम्परेंस की ऊर्जा आई हुई है। ओके, तो यहाँ पर बहुत जल्दी आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है, जो भी उनकी लाइफ में करंट लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस चल रही हैं उसको बैलेंस करने के बारे में फ़िलहाल तो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, कि चाहे वो करियर और फैमिली इश्यूज हों और आप हों साथ में उनके, उनका उनका करियर प्रॉब्लम कर रहा हो, मटेरियल चीज़ें जो उनकी लाइफ में है वो प्रॉब्लम कर रही हैं, डिसबैलेंस चल रही हैं आपके साथ, वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, उन चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं बैलेंस में आ सकें ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके। देखिए, नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर बेहद खूबसूरत ऊर्जा है अपने आप में, एक क्या ही बताऊँ, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओह माय गॉड, राजकुमार आ रहे हैं, छोटे से प्यारे से नहीं बट है आपकी तरफ आगे ताकि बढ़ सके। ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है यहाँ पर कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं फिलहाल सिचुएशंस को बैलेंस करने को लेकर है। जिन भी चीज़ों में यहाँ पर आपके पार्टनर फंसे हैं, अटके हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, फैमिली इश्यूज हैं, जॉब में इश्यूज हैं, कलीग से इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये 3-3 की जो ऊर्जा आई है उनको परेशानी से, जिसमें भी ये टैप इन कर रहे हैं, जिस भी रीज़न से ये इस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स में हैं, बहसबाजी में हैं, किसी से भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, चल उनसे बाहर निकलना चाहते हैं ताकि उनके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस आ सके, शांति आ सके, पीसफुल एनर्जी आ सके और आपके साथ वो आगे बढ़ सके, क्योंकि हार्डवर्क काफ़ी कर रहे हैं नो डाउट, और इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए, ताकि आपका और उनका रिलेशनशिप जो है वो एक जो मुकाम चाहिए आप दोनों के रिश्ते को वो मिल सके। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो रिलेशनशिप को लेकर भी, उनके फैमिली इश्यूज़ को लेकर भी, उनके करियर के इश्यूज़ को लेकर भी चल रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं कि मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़े। कुछ लोग अपने करियर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी करियर जल्दी से जल्दी सेट हो तो मैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ूं, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर रही हैं, जो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रही हैं उन्हें बढ़ूँ, क्योंकि अब ये थ्री ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा में नहीं रहना चाहते, इससे बाहर निकलना चाहते, इसमें टैप इन नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको स्टक कर रहा है या सिर्फ़ और सिर्फ उनको पेन कर रहा है, इतना पेन कर रहा है कि उनको सूझबूझ भी समझ में नहीं आ कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। और यहां पर इसीलिए शायद हो सकता हो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि या उनके माइंड में चल रहा है कि चलो मुझे हेल्प लेने की जरूरत है तो मैं हेल्प भी ले सकती हूं या ले सकता हूं ताकि मेरी चीजें जो है बैलेंस हो जाए। मेन जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो यहां पर फिलहाल ओवरऑल सिचुएशन को बैलेंस करने को लेकर है, चाहे वो आपके साथ रीयूनाइट को हो, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे उनकी फैमिली इश्यूज हो, मतलब सब चीजों से चीजें बैलेंस्ड हो ताकि आपको साथ सिचुएशन पहले से और बेहतर हो सके, रीयूनियन हो सके, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो सके, ऑन एंड ऑफ ये जो है बंद हो सके, जो भी रीजन से आप लोगों की चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपका हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है तो ये सारी चीजें और अच्छे से मैनेज हो ताकि और अच्छे से आगे आप एक दूसरे के साथ बढ़ सके। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जो कि फिलहाल अपने मटेरियल चीजों को और बाकी चीजों को मैनेज करने में लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।